हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन एजुकेशन ऑफ एबीसी ज्ञान बुद्धा क्लासेस गया बिहार। इससे पहले मैंने आपको यूनिट एंड डायमेंशन बताया था, उसका 3 लेक्चर ऑलरेडी हमारे यूट्यूब के चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अब जो फिजिक्स का मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, डेट इज काइनेमेटिक्स। लेकिन काइनेमेटिक्स पढ़ाने के पहले मुझे कुछ मैथमेटिक्स के बारे में बताना पड़ेगा, बिकॉज एज यू ऑल नो दैट मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स फिजिक्स का लैंग्वेज है। विदाउट मैथमेटिक्स यू कांट अंडरस्टैंड फिजिक्स वेरी इजली। बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स को आसान तरीके से नहीं समझ सकते, क्योंकि फिजिक्स में क्या आता है, न्यूमेरिकल होता है। तो हम लोग मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ पढ़ते हैं, कुछ कैलकुलस के बारे में पढ़ते हैं, कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, कुछ अलजेब्रा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स है, दैट इज वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल पे, गौतम कुमार एबीसी क्लासेस वाले यूट्यूब चैनल पे आप ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोज को देख सकते हैं। उसमें एनसीईआरटी का आपका 6-7 वीडियो उसमें ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो काइंडली मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वो वीडियो देखिएगा तो आपका फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल, फिजिक्स के न्यूमेरिकल में जो मैथमेटिक्स यूज होगा, फिजिक्स के न्यूमेरिकल में जो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो आप आसान तरीके से बना सकते हैं। देखिए, फंसता स्टूडेंट इसी में, फिजिक्स की पूरी थ्योरी पता है लेकिन मैथमेटिक्स उसको पता ही नहीं है कि वहां पे कौन सा मैथमेटिक्स अप्लाई करें। क्योंकि हमने बताया कि मैथमेटिक्स क्या है, टूल है। आपको सही टूल की जानकारी होना चाहिए, कहां पे डिफरेंशिएशन यूज करना है आपको ये पता होना चाहिए, कहां पे इंटीग्रेशन यूज करना है आपको ये पता होना चाहिए, प्रॉपर टूल आपको मालूम होना चाहिए। कौन सा अलजेब्रा का फॉर्मूला कहां यूज होगा ये आपको मालूम होना चाहिए, कहां पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होगा, कभी साइन, साइन के जगह पे आप कॉस अप्लाई कीजिएगा, कॉस के जगह पे आप टैन अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। कन्वर्जन से बन जाएगा, एक पता है तो बाकी सब आप निकाल सकते हैं, लेकिन वहां पे आपका टाइम लगेगा, आपको प्रॉपर मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का बहुत यूज है। तो हम आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं बताएंगे, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हमारे मैथ्स वाले यूट्यूब चैनल से आप देख सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे आपको। हम डायरेक्ट आज स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर, ठीक है। वेक्टर हम आपको दो चीज बताएंगे, वेक्टर और कैलकुलस पढ़ाएंगे, क्योंकि कैलकुलस मैथ्स में अभी नहीं पढ़ सकते, मैथ्स में कैलकुलस पढ़ना है क्लास 11th का बहुत एंड में, तो हम उतना दिन तक हम वेट नहीं कर सकते। और वेक्टर भी क्लास 12th में पढ़ना है मैथ्स वालों को, लेकिन बायो वालों को नहीं। इसलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, दैट इज वेक्टर, ठीक है। वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे, वेक्टर इसे बोलते हैं हम लोग वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है, दैट इज वेक्टर अलजेब्रा। हम लोग वेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले मैंने फिजिकल क्वांटिटी के कुछ टाइप्स बताए थे, अकॉर्डिंग टू इट्स यूनिट्स। यूनिट्स के आधार पे फिजिकल क्वांटिटी के क्या होता है, तो दो तरह का मेनली होता है, फंडामेंटल डिराइव्ड और एक दूसरा क्वांटिटी, थर्ड क्वांटिटी होता है, दैट इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। यहां पे फिजिकल क्वांटिटी को हम दो पार्ट में और डिवाइड करेंगे, बट वो जो पार्ट होगा डायरेक्शन के आधार पे होगा, वो जो पार्ट होगा वो डायरेक्शन के आधार पे होगा। तो फिजिकल क्वांटिटी को यहां पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, द फर्स्ट वन इज स्केलर एंड द सेकंड वन इज वेक्टर। द फर्स्ट वन इज स्केलर एंड द सेकंड वन इज वेक्टर, दो इंपॉर्टेंट टाइप्स है, द फर्स्ट वन इज स्केलर एंड द सेकंड वन इज वेक्टर। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर को फिजिकल क्वांटिटी, दोनों में एक बेसिक डिफरेंस जान लीजिए कि इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, इट हैज नो डायरेक्शन, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है लाइफ में, इसका कोई डायरेक्शन नहीं। आप लोग भी स्टूडेंट्स का, कुछ लोगों का कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो यहां पे भी वही चीज है, नो डायरेक्शन। और यहां पे क्या होता है, डायरेक्शन होता है, इसके पास डायरेक्शन हो तो उसके पास डायरेक्शन नाम की पहली बेसिक। ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है वेक्टर का, हम एक आपको रफली बता रहे हैं कि स्केलर के पास नो डायरेक्शन और वेक्टर के पास क्या होता है, हम इसका डिटेल डेफिनेशन अभी आगे बताऊंगा आप लोगों को, बट अभी फिलहाल ये समझ लीजिए कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी वैसे फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी वैसे जिसके पास डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड तो दोनों में होता है, मैग्नीट्यूड यहां भी होगा, मैग्नीट्यूड यहां भी होगा और मैग्नीट्यूड यहां भी होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मैथमेटिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मैथमेटिकल वैल्यू, या फिर क्या होता है उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट इज मैग्नीट्यूड। मैंने पढ़ाया था आपको कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड उसके पास दो चीज होता है, उसके पास क्या होता है, एक नंबर होता है और उसका एक यूनिट होता है। फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने बताया था x इक्वल टू n इनटू u, वेयर x इज द फिजिकल क्वांटिटी, n इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू एंड u इज यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। आप सपोज दैट एग्जांपल लीजिए मास, एग्जांपल मास n इक्वल टू 10 kg, 10 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, kg इज यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। आप लिखते हो l इक्वल टू 10 मीटर, 10 इज न्यूमेरिकल वैल्यू,
एंड मीटर इज यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी. तो वो तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं. यहां पे फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप्स है, स्केलर एंड वेक्टर. स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होता है, वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है. स्केलर और वेक्टर दोनों के पास मैग्नीट्यूड कॉमन है, मैग्नीट्यूड होगा ही होगा. अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है. यहां पे हम मेनली जो मेरा चैप्टर है वो वेक्टर है, तो पूरा वेक्टर, क्योंकि इसलिए वेक्टर को अलग पढ़ते हैं क्योंकि वेक्टर के अलजेब्रा कुछ अलग है, वेक्टर्स को जोड़ने का तरीका अलग है, वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का तरीका अलग है. स्केलर को जोड़ने के लिए कोई स्पेशल रूल नहीं पढ़ते हैं. स्केलर को ऐड करने के लिए क्या, नॉर्मल एडिशन, जैसे जोड़ते हैं दो बॉडी, एक बॉडी का मास 10 केजी है, दूसरे बॉडी का मास 5 केजी है, दोनों नेट आपका हो जाएगा 15 केजी. लेकिन वेक्टर के केस में आप नहीं बोल सकते फोर्स आपका F1 इक्वल टू 10 न्यूटन, दूसरा फोर्स F2 इक्वल टू 5 न्यूटन, उन दोनों का रिजल्टेंट 15 न्यूटन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. उन दोनों का रिजल्टेंट 15 न्यूटन, कब 15 न्यूटन होगा, कब क्या होगा, कब 6 न्यूटन होगा या कितना होगा, यह तो हम आगे पढ़ेंगे. तो वेक्टर को अलग पढ़ने का पीछे लॉजिक यह है कि वेक्टर की अलजेब्रा अलग है, वेक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. और फिजिक्स में बहुत ऐसे क्वांटिटी होता है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन चाहिए. जैसे कि फोर्स, आप नहीं बोल सकते फोर्स इक्वल टू 10, आपको ये बताना पड़ेगा फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन, इन नॉर्थ डायरेक्शन, या फिर नॉर्थ ऑफ ईस्ट 30 डिग्री, नॉर्थ ऑफ ईस्ट 60 डिग्री, ईस्ट ऑफ, इस तरह से आपको बताना पड़ेगा, ईस्ट ऑफ साउथ. ठीक है, मतलब कुछ ऐसे क्वांटिटी होता है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए. वहां पे उसका डायरेक्शन इंपॉर्टेंस होता है. वेलोसिटी, आप वेलोसिटी को नहीं लिख सकते हो कि वेलोसिटी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, आपको बताना पड़ेगा वेलोसिटी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, वेलोसिटी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स साउथ, वेलोसिटी इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, वेलोसिटी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, वेलोसिटी इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स वाई एक्सिस, ये आपको बताना पड़ेगा. ठीक है, तो अब हम लोग स्टडी करते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं स्केलर. तो पहले आप हेडिंग दे लीजिए स्केलर, स्केलर का डेफिनेशन समझते हैं, उसके कुछ एग्जांपल. ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे स्केलर, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी. स्केलर फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब्ड बाई मैग्नीट्यूड वनली. वैसे फिजिकल जिसको डिस्क्राइब किससे करते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड से. मैग्नीट्यूड कहने का मतलब क्या हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड वनली दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू. ठीक है, इस तरह के फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर बोला जाता है. मतलब इसके पास कोई डायरेक्शन नाम का चीज नहीं है, सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड. मतलब इसके पास कोई डायरेक्शन तो नो डायरेक्शन, सबसे पहली कंडीशन, नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं है. बात करेंगे अगर इसके एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल में क्या होगा, तो डिस्टेंस के लिए बोलोगे डिस्टेंस इक्वल टू 2 मीटर. कोई बॉडी डिस्टेंस कवर किया 5 किलोमीटर, किस डायरेक्शन में उससे कोई मतलब नहीं, डिस्टेंस. सेकंड एग्जांपल इज स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है. थर्ड एग्जांपल इज वर्क, आप लोग पढ़ते हो क्लास 9 में पढ़ना है वर्क कौन सा क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है. देन आफ्टर एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक. देन आफ्टर अब पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है. देन आफ्टर इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी etc. ठीक है, तो ये सभी कुछ, इसके इनको एक्सप्रेस करने के लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, इनको एक्सप्रेस करने के लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है. सिर्फ किससे काम चल जाएगा, मैग्नीट्यूड से. मैग्नीट्यूड कहने का मतलब क्या, मैथमेटिकल वैल्यू. इसको एड करने के लिए कोई स्पेशल अलजेब्रा नहीं चाहिए. इट फॉलोज ऑर्डिनरी एडिशन. ये ऑर्डिनरी अलजेब्रा को फॉलो करता है, ऑर्डिनरी एडिशन को फॉलो करता है. मतलब ऑर्डिनरी एडिशन को कोई बॉडी M1 इक्वल टू 10 केजी है, एक दूसरा बॉडी M2 इक्वल टू 5 केजी है, नेट मास M इक्वल टू क्या होगा, M1 प्लस M2 विच इज इक्वल टू कितना होगा, तो 15 केजी. आप सिंपल एडिशन कर सकते हैं सबके साथ. एक बॉडी का स्पीड आपका है 10 मीटर पर सेकेंड, एक बॉडी का स्पीड, दूसरे बॉडी का स्पीड है आपका 15 मीटर पर सेकेंड, नेट जो स्पीड होगा आपका 10 प्लस 15 दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, 25 मीटर पर सेकेंड. तो ये आपका वैसे क्वांटिटी, इसको एक्सप्रेस करने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड. इसको ऐड करने के लिए कोई स्पेशल जेब्रा की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो इस तरह के फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं,
स्केलर बोलते हैं। हम लोग दूसरी क्वांटिटी की बात करेंगे, दैट इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, उसी का हम लोग डीप स्टडी करेंगे क्योंकि उसका अलग अलग एडिशन, उसके जोड़ने के लिए अलग है, उसको सब्ट्रैक्ट करने का तरीका, उसको मल्टीप्लाई करने का तरीका अलग है। आप नॉर्मल नहीं कर सकते, आप नहीं बोल सकते F1 इक्वल टू 10 न्यूटन, F2 इक्वल टू 5 न्यूटन। आप उसमें क्या, दो तरह का प्रोडक्ट भी होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसलिए उसका अलजेब्रा अलग है। तो सेकंड वन इज वेक्टर, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। आप लोग कॉपी पे नोट जरूर बनाइए, दैट इज वेक्टर, लिखिए वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच इज डिस्क्राइब्ड बाई मैग्नीट्यूड कॉमा डायरेक्शन एंड इट ऑल्सो फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड इट ऑल्सो फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के लिए क्या है आपका, पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, और ऐसे बहुत सारा है, पैरेललोग्राम लॉ है, ट्रायंगल लॉ है, पॉलीगन लॉ है। वेक्टर को एडिशन करते हम लोग कंपोनेंट मेथड से, बहुत तरीका, लेकिन हम बेसिक अभी लिखवाया मैंने आपको पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, ऑफ एडिशन। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड इट ऑल्सो फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, मतलब वेक्टर क्वांटिटी के पास तीन चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड तो खैर दोनों में कॉमन है, मैग्नीट्यूड आपका वहां भी है, मैग्नीट्यूड आपका यहां भी है, मैग्नीट्यूड आपका स्केलर में भी है, मैग्नीट्यूड आपका वेक्टर में भी है। लेकिन यहां पे क्या, मैग्नीट्यूड के साथ क्या है, डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन, और उसके साथ साथ ये क्या फॉलो करता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ये किसको फॉलो करता है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। इसकी डिटेल स्टडी हम लोग कर रहे हैं, पैरेललोग्राम लॉ कैसे जोड़ते हैं, क्या तरीका, तो ध्यान दीजिएगा। क्या मैंने बताया, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, मैथमेटिकल वैल्यू। दूसरा चीज मैंने क्या बताया, डायरेक्शन, इसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा, मतलब इसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब क्या, मैथमेटिकल वैल्यू होगा। मैथमेटिकल वैल्यू का मतलब क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू, वही चीज है, न्यूमेरिकल वैल्यू। सेकंड वन इज इसके पास एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होगा, स्पेसिफाइड डायरेक्शन होगा। एंड थर्ड चीज, इट फॉलोज विक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये तीनों चीज होना चाहिए, कुछ इसमें कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि करंट, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो इस चीज को फॉलो नहीं करता। वो किसको फॉलो करता है, वो ऑर्डिनरी एडिशन को फॉलो करता है। तो करंट को आप स्केलर की स्केलर की तरफ आपको रख सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं सर करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी, हम अभी टेंसर का डिटेल स्टडी करेंगे, टेंसर आपके सिलेबस का चीज नहीं है, पहली चीज, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है वहां पे, तो आप लोग समझ लीजिए, अगर ये अगर ऑप्शन में आ जाए, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए और वहां पे टेंसर भी हो और स्केलर भी हो, तो आप टिक करोगे करंट में टेंसर को, अगर टेंसर नहीं हो तो आप किसको टिक करोगे, स्केलर को टिक करके आओगे, इस बात को समझिएगा, ठीक है ना। क्योंकि प्रायोरिटी किसको दीजिएगा, पहले आप टेंसर की प्रायोरिटी दीजिएगा, पहले आप टेंसर को ही प्रायोरिटी दोगे, बात समझना इस चीज को। तो वेक्टर में वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और उसके साथ साथ वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे, मतलब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, कंपोनेंट मेथड ऑफ एडिशन। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, इसके कुछ एग्जांपल क्या क्या है, तो इसके एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल आप देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। आई होप आप लोग इसको कॉपी कर लिए होंगे, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग अपने नोट्स, वीडियो को पॉज करके भी आप लोग नोट्स बना सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और कंप्लीट नोट्स को बनाइए। एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट, सेकंड वन इज वेलोसिटी, देन आफ्टर एक्सीलरेशन, देन आफ्टर फोर्स, फोर्स देन आफ्टर आप आदि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड देन आफ्टर मैग्नेटिक फील्ड, जितने भी फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड, देन आफ्टर ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, लीनियर मोमेंटम,
आप लोग जो भी टर्म आप लोग सुने होंगे वही हम बता रहे हैं, लीनियर मोमेंटम एटे से, ये सभी कौन से क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इनके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड के साथ क्या डायरेक्शन है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन, और ये सभी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, इनको जोड़ने के लिए वो वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन चलेगा, आप इसको जोड़ने के लिए नॉर्मल एडिशन नहीं कर सकते, इसके लिए आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन यहां पे चलेगा। तो ये सब क्या आपका वेक्टर क्वांटिटीज के कुछ एग्जांपल हैं, ठीक है, और भी है, टॉर्क है, टॉर्क है, तो ये सब कुछ और एग्जांपल्स हैं, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी आपको पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सीलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, फोर्स क्या होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला फोर्स का क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये पढ़ना है क्लास 12th में, ग्रेविटेशनल फील्ड आप लोग ग्रेविटेशन क्लास 9th में कुछ पढ़े होंगे, सारे क्वांटिटीज आप लोग पता है आपको, लीनियर मोमेंटम का मैथमेटिकल फॉर्म होता है लीनियर मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, एम इनटू वी, मास इनटू वेलोसिटी दैट इज लीनियर मोमेंटम। फिर आगे पढ़ना है एंगुलर मोमेंटम, रोटेशन वगैरह चैप्टर में। तो जैसे जैसे फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे ना हम लोग सारे क्वांटिटी को एक एक करके समझते चले जाएंगे, ठीक है। सर्कुलर मोशन में होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, उन सभी को किसमें रखा गया, वेक्टर क्वांटिटीज में रखा गया, किसमें रखा गया, वेक्टर क्वांटिटीज में रखा गया। तो ये स्केलर और वेक्टर्स के कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं जो कि आपको समझना काफी जरूरी है, क्लियर। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट देखिए वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ डू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके पास क्या, वेक्टर के पास क्या है, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर के पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड के साथ क्या है, डायरेक्शन है, वेक्टर के पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड के साथ क्या है, डायरेक्शन, ठीक है। तो कैसे रिप्रेजेंट करो, अगर बोलोगे, बोला जाएगा कि वेलोसिटी इक्वल टू 3 meters per second टूवर्ड्स नॉर्थ, इस तरह से कोई बॉडी का वेलोसिटी है 3 meters per second किधर है, तो नॉर्थ की तरफ, तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन, ये ऊपर की तरफ आपका नॉर्थ होता है, दिस वन इज साउथ, दिस वन इज ईस्ट एंड दिस वन इज वेस्ट, आपको पता है चीज, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, 3 meters per second टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ 3 meters per second। अब नॉर्थ का मतलब ये नहीं हो कि इधर ही, यहां भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नॉर्थ टूवर्ड्स नॉर्थ मतलब नॉर्थ के तरफ, टूवर्ड्स ईस्ट मतलब ये नहीं कि इसी लाइन पे, आप यहां भी एक्सप्रेस कर सकते हो, यहां भी एक्सप्रेस कर सकते हो, यहां भी एक्सप्रेस कर सकते हो, यहां भी एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर बोलता 3 meters per second टूवर्ड्स साउथ, तो कोई जो नहीं किसी लाइन पे, आप यहां भी दिखा सकते हो, यहां भी दिखा सकते हो, यहां भी दिखा सकते हो। 3 meters per second टूवर्ड्स वेस्ट का मतलब ये नहीं हो कि इसी लाइन पे, आप यहां भी 3 meters per second वेस्ट की तरफ, यहां भी एक्सप्रेस कर सकते हो, यहां भी एक्सप्रेस कर सकते हो, यहां भी एक्सप्रेस कर सकते हो, यहां से भी यहां, मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि नॉर्थ मतलब इसी लाइन पे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो 3 meters per second टूवर्ड्स नॉर्थ कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए 3 क्या है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, मीटर पर सेकंड क्या उसका यूनिट, और टूवर्ड्स नॉर्थ क्या उसका डायरेक्शन। बोल सकते 3 meters per second क्या उसका मैग्नीट्यूड, 3 meters per second कंप्लीटली बोला रहा है दैट इज मैग्नीट्यूड, एंड टूवर्ड्स नॉर्थ मतलब नॉर्थ की तरफ दैट इज डायरेक्शन, नॉर्थ की तरफ दैट इज डायरेक्शन। तो करेंगे क्या, इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई अ लाइन सेगमेंट, और किस तरह का लाइन सेगमेंट, जिसमें एक एरो हो, जिसमें हम लोग क्या पुट करेंगे, एरो पुट करेंगे, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन कहने का मतलब क्या, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई इसको लिखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई अ लाइन सेगमेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई अ लाइन सेगमेंट कंसिस्टिंग एन एरो मतलब 3 meters per second ये आपको ओरिजिन है, दिस वन इज 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3, दैट इज ये 1, तो इसको रिप्रेजेंट करने का 3 meters per second किधर, तो नॉर्थ की तरफ, तो वेलोसिटी इक्वल टू 3 meters per second टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब यहां पे हम इसको रिप्रेजेंट करके से एक लाइन सेगमेंट से,
यहां से हम स्टार्ट करें, दिस इज इनिशियल पोजिशन, ये आपका इनिशियल पोजिशन होगा, ये आपका इनिशियल पोजिशन होगा, और ये कैसा पोजिशन होगा, तो फाइनल पोजिशन होगा। इसको बोलते हैं हम लोग टेल बोलते हैं, एंड दिस वन इज व्हाट, हेड बोलते हैं, ठीक है। हेड का दूसरा नाम इसको टीपी भी बोलते हैं, टीआईपी, टिप बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया वन, इसका यूनिट कितना वन, ये कितना हो गया टू, और ये कितना हो गया थ्री, मतलब दैट इज दिस वन इज वन पार्ट, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो ये क्या होगा 3 meters per second टुवर्ड्स नॉर्थ। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट कंसिस्टिंग एन एरो, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है लाइन सेगमेंट कंसिस्टिंग एन एरो, ठीक है। ये देखिए ध्यान से इसको, अब ये जो एरो की लंबाई होगा, एरो का जो लंबाई होगा वो मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करता है। एरो की जो लंबाई है, लेंथ ऑफ एरो जो है वो मैग्नीट्यूड को बताता है, ठीक है। लेंथ ऑफ एरो मैग्नीट्यूड को बताता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखें लेंथ ऑफ एरो, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो गिव्स इट्स मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑफ एरो गिव्स इट्स मैग्नीट्यूड। एरो का जो लंबाई है, ठीक है, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये आपका टेल मैंने बताया, ये आपका हेड बताया, इसकी जो लंबाई है ये क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है, इसकी जो लंबाई है दिस वन इज व्हाट मैग्नीट्यूड। ये इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट कंसिस्टिंग एन एरो, एक लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और किस तरह का, उसमें एक एरो होना चाहिए, एरो हेड होता है, ठीक है, उसी बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, इसी को बोला जाता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसका एक डायरेक्शन है। तो 3 meters per second टूवर्ड्स नॉर्थ, 3 meters per second टूवर्ड्स नॉर्थ। अब अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, सेकेंड एग्जाम्पल लें, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड एग्जाम्पल हम यूज कर रहे हैं फोर्स F इक्वल टू 10 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट। F फोर्स मान लीजिए, कितना फोर्स है, तो 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन किधर, ईस्ट की तरफ। तो ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, ये आपका वेस्ट होता है। तो 10 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ, 10 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ। अगर यहां पे हम इतने को अगर वन मान ले, दिस इज वन, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आप इतने डिस्टेंस को आप मेजर कर सकते हैं। इसको 2 बोलिए तो 2, 4, 6, 8, 10 टू फोर, इतने लेंथ को हम बोल रहे हैं टू यूनिट्स, इतने लेंथ को हम बोल रहे हैं टू यूनिट्स। तो ये 2, 4, 6, 8, 10 इसको हट जाए, तो ये अगर रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो ये हो जाएगा आपका F इक्वल टू 10 न्यूटन, F इक्वल टू 10 न्यूटन किधर है, टूवर्ड्स ईस्ट। तो 10 न्यूटन उसका मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन किधर है उसका, ईस्ट की तरफ। ये इसका कैसा पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, ये क्या आपका फाइनल पोजीशन। तो F इक्वल टू 10 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट, ये सेकंड एग्जांपल मैंने लिया। अब बोल सकते हैं F इक्वल टू 10 न्यूटन नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, F इक्वल टू 10 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो 10 न्यूटन इधर दिखाएंगे, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना एंगल पे घूम जाएंगे, 30 डिग्री पे घूम जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। अब इसको नोटेशन कैसे करेंगे, ध्यान दें, इसको कैसे डिनोट करते हैं, किस तरह से इसका रिप्रेजेंट, किस तरह से इसको लिखते हैं क्वेश्चन, क्योंकि बार बार तो आप इसको नहीं लिख सकते ना, एफ इक्वल टू 10 न्यूटन टूवर्ड से, तो इतना हम लोग थोड़ी करेंगे कि 10 न्यूटन। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एरो की लंबाई मैग्नीट्यूड को बताता है। अगर एफ इक्वल टू 10 न्यूटन, सपोज दैट इसका एरो इतना बड़ा है, F इक्वल टू 8 न्यूटन इसका एरो ये होगा, F इक्वल टू 12 न्यूटन इसका एरो कुछ इससे बड़ा होगा। ये 10 न्यूटन वाले का है, ये 8 न्यूटन वाले का है, ये 12 न्यूटन वाले का है, देखिए 12 न्यूटन वाला सबसे बड़ा है। तो लेंथ ऑफ एरो क्या बताता है, उसके मैग्नीट्यूड को बताता है, लेंथ ऑफ एरो उसके मैग्नीट्यूड को बताता है, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी को कैसे दिखाते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग एन एरो अबव द फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान दीजिएगा। अब नोटेशन इसको करेंगे क्या, अ वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग एन एरो
A vector quantity is represented by putting an arrow above the physical quantity. मान लीजिए हमको कोई a एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर के ऊपर ऐसे क्या दिखा देंगे? एरो. अब ये जो एरो है, इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन. अब ये मत समझना कि ईस्ट की तरफ वाले होगा, नॉर्थ की तरफ कोई वेक्टर है तो इसके ऊपर एरो ऐसे नहीं दिखाएंगे, साउथ की तरफ वेक्टर है तो इसके ऊपर एरो इस तरह से नहीं दिखाएंगे, वेस्ट की तरफ कोई वेक्टर है तो इसके ऊपर एरो ऐसे नहीं दिखाएंगे. ये चीज तरीका नहीं है. मतलब आप कोई भी डायरेक्शन, डायरेक्शन वहां से हम लोग पता करने के, डायरेक्शन किधर है वो तो हम लोग मैथमेटिकली लिखेंगे, उसको हम लोग लाइन में लिख देंगे, ठीक है. बट उसको लिखने का, अ वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग एन एरो अबव द फिजिकल क्वांटिटी. जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स के ऊपर क्या एक्सप्रेस रहेगा? एरो रहेगा. ए एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, तो ए के ऊपर एरो रहेगा. या सिर्फ इसको दिखाते हैं बोल्ड लेटर से. ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा बोल्ड बना देता हूं, कहीं के बुक में इस तरह से भी लिखता है बोल्ड लेटर से. मतलब अगर बोल्ड लेटर से लिखा इसका, दैट इज, इट मींस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है. तो ए एक वेक्टर क्वांटिटी, उसके ऊपर एरो है, ये बता रहा है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. और उसके मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी ए को लिखते हैं हम लोग कैसे? इज रिटन एज, is written as mod of a, mod of a से, mod of a, it means magnitude, it means mathematical value, it means numerical value, that is magnitude of vector quantity. a एक vector quantity है, उसके magnitude को किस तरह से लिखते हैं? इस तरीके से. एक vector quantity को लिखने का तरीका क्या? a के ऊपर क्या डालेंगे? arrow. मतलब इसके पास magnitude, इसका magnitude a है, और इसका कुछ ना कुछ direction होगा, चाहे वो नॉर्थ की तरफ होगा, चाहे वो साउथ की तरफ होगा, चाहे ईस्ट की तरफ होगा, चाहे वेस्ट की तरफ होगा, चाहे नॉर्थ ऑफ ईस्ट होगा, चाहे नॉर्थ ऑफ वेस्ट होगा, चाहे साउथ ऑफ ईस्ट होगा, चाहे साउथ ऑफ वेस्ट होगा, मुझे उससे नहीं. हमें एक सिंपल तरीका समझना है कि कैसे लिखते हैं. तो ए के ऊपर क्या रहेगा? एरो. बस ये बताएगा कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. अभी नहीं, नॉर्थ की तरफ तो एरो ऊपर की तरफ होगा, साउथ की तरफ तो एरो ऐसा नहीं होता. और उसके मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका क्या? मॉड ऑफ ए, मॉडुलस, मॉड ऑफ ए, ठीक है. क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ ए. तो ये हुआ आपका क्या? नोटेशन. और वो क्या है? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है. वेक्टर को इस तरह से लिखते हैं, वेक्टर को लिखने का वो तरीका, ठीक है. आप लोग लिखे होंगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूं. अब देखिए, वेक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग समझते हैं. वेक्टर से रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं. सबसे पहला टर्म यहां पे समझेंगे हम लोग, सबसे पहला टर्म समझेंगे इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स, इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है. दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज. ज्यादा हम मैथ्स वाला वेक्टर हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा. मैथ्स वाला वेक्टर का थोड़ा सा एनालिसिस अलग तरीके से होता है. हम वो वैसे वेक्टर पढ़ा रहे हैं जिससे आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल बन जाए, और 100% न्यूमेरिकल बनेगा इसी कॉन्सेप्ट से, ठीक है. मैथ्स में और भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो वो अलग चीजें हैं. वो पूरा नाम ही है वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है. चलिए ध्यान दीजिए, इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर इक्वल कब होता है? तो वेक्टर के पास क्या क्या चीज है? वेक्टर के पास क्या है? वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड है. वेक्टर के पास क्या है? तो वेक्टर के पास डायरेक्शन है. वेक्टर के पास दो चीजें, द फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड एंड द सेकंड वन इज डायरेक्शन. दो वेक्टर इक्वल तभी होंगे जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और दोनों का डायरेक्शन भी सेम होगा. टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम. टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम. दो वेक्टर इक्वल होंगे कब? जब दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो. ये एक वेक्टर ए है, दिस वन इज वेक्टर ए एंड दिस वन इज वेक्टर बी. देखिए, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, लेकिन दोनों की देखिए मैग्नी एरो की लंबाई अलग है, कम है और ये ज्यादा है, तो ये वेक्टर इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल.
ये वेक्टर इक्वल नहीं है, डायरेक्शन सेम है। मतलब दो वेक्टर इक्वल तभी होंगे जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, दोनों का डायरेक्शन भी सेम होगा। ये वेक्टर इक्वल नहीं है। एक और देख लीजिए, ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है। व्हाट इज दिस, व्हाट अबाउट दिस, दिस वन इज ऑल्सो नॉट इक्वल। ये भी इक्वल वेक्टर नहीं है। क्या है, हम आगे बात करेंगे। ये इक्वल वेक्टर नहीं है, ठीक है। देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एरो की लंबाई सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। डायरेक्शन आपका अपोजिट, एक का डायरेक्शन इधर है, दूसरे का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो ये दोनों आपका, ये नॉट इक्वल वेक्टर, ये भी आपका इक्वल वेक्टर्स नहीं है, ये भी आपका इक्वल वेक्टर नहीं है। ये इक्वल नहीं है ड्यू टू मैग्नीट्यूड, ये इक्वल नहीं है ड्यू टू डायरेक्शन। इसमें क्या है, इसमें आपका एक का मैग्नीट्यूड बड़ा है दूसरे का मैग्नीट्यूड, दोनों का डायरेक्शन सेम है। इसमें क्या है कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड क्या है सेम है। तो ये वेक्टर क्या है, नॉट इक्वल। एक और समझिए पॉइंट, एक और मैं दे रहा हूं एग्जांपल। ये आपका एक वेक्टर ए है एंड दिस वेक्टर इज बी। अब देखिए समझिए, ये दोनों आपका वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर है। दिस वन इज इक्वल वेक्टर, दिस वन इज इक्वल वेक्टर। ये इक्वल वेक्टर क्योंकि यहां पे मैग्नीट्यूड भी, दोनों की एरो की लंबाई सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो ये दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर। तो यहां से एक पॉइंट क्लियर आता है समझ में कि अगर किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दिया जाए, समझिएगा, अगर किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दिया जाए तो वेक्टर चेंज नहीं होता है। इफ अ वेक्टर शिफ्ट्स पैरेलल टू इटसेल्फ देन इट कांट चेंज, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक नोट करके पॉइंट लिखिएगा यहां पे, if a vector shifts parallel to itself, किसी वेक्टर को अगर पैरेलल शिफ्ट कर दिया जाए, if a vector shifts parallel to itself, then it remains same, तो ना तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा, ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका वेक्टर ए है, अगर हम इसको पैरेलली शिफ्ट कर दें, अगर हम इसको उठा के यहां पे पैरेलली शिफ्ट कर देंगे तो ये भी वेक्टर क्या होगा, आपका ए ही रहेगा। किसी वेक्टर को अगर पैरेलली शिफ्ट करें तो वेक्टर चेंज नहीं होता है। किसी वेक्टर को अगर पैरेलली शिफ्ट कर दें तो वेक्टर चेंज नहीं होता है। इफ ए वेक्टर शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ देन इट कांट चेंज, ठीक है, ये बात समझना। किसी वेक्टर को अगर पैरेलली शिफ्ट कर दें तो वो चेंज नहीं होगा। और समझिए, किसी वेक्टर को अगर रोटेट कर दे तो चेंज होगा, लेकिन अदर देन 360 डिग्री। किसी वेक्टर को अगर 360 डिग्री से रोटेट कर दोगे तो फिर से तुमको वही वेक्टर मिल जाएगा। समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट मैंने लिखाया नोट में कि इफ अ वेक्टर शिफ्ट्स पैरेलल टू इटसेल्फ देन इट रिमेन्स सेम। रिमेन्स सेम मतलब रिमेन्स अनचेंज्ड, तो वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। किसी भी वेक्टर को आप पैरेलल शिफ्ट कर दीजिए, ये वेक्टर ए है, इसको उठा के पैरेलल शिफ्ट किया, ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, ना तो इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, ना तो इसका मैग्नीट्यूड। अरे यही वेक्टर तो है, मान लो ये एक वेक्टर है, सपोज दैट ये एक वेक्टर है, इसका टेल और ये इसका हेड है, इसको उठा के हम यहां पे रख दिए, इसको उठा के हम यहां रख दिए, तो क्या हुआ, ना तो मैंने मैग्नीट्यूड को चेंज किया और ना तो मैंने क्या चेंज किया, डायरेक्शन को चेंज किया। ये कोई वेक्टर है, दिस वन इज वेक्टर, ध्यान दीजिएगा, इसको उठा के हम यहां पे रख रहे हैं, ना तो मैंने मैग्नीट्यूड को चेंज किया, ना तो मैंने डायरेक्शन को चेंज किया। ये एक वेक्टर है, इसको उठा के हम इसी लाइन में यहां पे रख दिए, जैसे देखिए ये एक वेक्टर है, दिस वन इज वेक्टर ए, इसको उठा के हम इसी लाइन पे यहां पे रख दिए, इसी वेक्टर को शिफ्ट कर दिए, इसी वेक्टर को शिफ्ट कर दिए, इसी वेक्टर को आगे शिफ्ट कर दिए, तो ना तो मैंने मैग्नीट्यूड को चेंज किया, ना तो मैंने डायरेक्शन को चेंज किया, तो ये वेक्टर क्या है, सेम है, अनचेंज्ड रहेगा। तो अगर वेक्टर को शिफ्ट करेंगे पैरेलल टू इटसेल्फ देन इट रिमेंस अनचेंज्ड, या फिर रिमेंस सेम, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। सेकंड नोट होता है, अगर किसी वेक्टर को आप रोटेट करोगे अदर देन 360 डिग्री, समझना, अदर देन, आप ये मत बोलिए कि सर आपने ये बताया था, मैं एक वर्ड बोल रहा हूं, अदर देन 360 डिग्री, ये आपका वेक्टर ए है, दिस वन इज वेक्टर ए, इसको रोटेट कर दोगे 360 डिग्री से, अगेन दिस वन इज वेक्टर ए, इसको रोटेट कर दोगे अगेन 360 से, ऐसे 360 से इस तरह से रोटेट कर दोगे, तो फिर से तो वेक्टर वही हो गया।
लेकिन अगर अदर देन 360 डिग्री तो वो वेक्टर क्या होगा, चेंज हो जाएगा. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इफ अ वेक्टर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, इफ अ वेक्टर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, अगर वेक्टर को रोटेट करो कितना एंगल से, थीटा से. ब्रैकेट में लिख लीजिए यहां पे अदर देन 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन, ठीक है ना, अदर देन 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन, देन इट चेंजेस, तो वो बदल जाता है, वो वेक्टर वो नहीं रहेगा, बदल जाएगा, वो वेक्टर चेंज हो जाएगा. तो अगर ये आपका वेक्टर ए है, इसको थीटा एंगल से रोटेट कर लो, वेदर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, मैंने वो चीज लिखवाया नहीं, आप कैसे भी रोटेट कर लो, आप इसको थीटा डिग्री ऐसे रोटेट कर दो, ये आपका ऐसे कर लो, इसको मैंने क्या थीटा डिग्री से क्या किया, रोटेट कर दिया. तो अब ये दोनों वेक्टर क्या, अलग अलग वेक्टर, ये दोनों वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है, एरो की लंबाई सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग है, ये डायरेक्शन इधर की तरफ है, ये डायरेक्शन इधर की तरफ है. डायरेक्शन अलग होने से वेक्टर चेंज हो गया, वेक्टर अब वो नहीं रहा. तो अगर इफ अ वेक्टर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा अदर देन 360 डिग्री, लेकिन अगर वही 360 से रोटेट करोगे, इसको 360 से रोटेट करोगे, इसको ऐसे घुमा दोगे, यहां से चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ये 180 डिग्री हुआ, और यहां से घुमा के फिर से ये कर लिया 360 डिग्री, तो वेक्टर क्या रहेगा भाई. मतलब कहने का मतलब यहां से एक और पॉइंट क्लियर होता है कि अगर किसी वेक्टर को 360 डिग्री से रोटेट करेंगे आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, देन इट रिमेन्स अनचेंज्ड. ठीक है, इफ अ वेक्टर इज रोटेटेड बाय एंगल 360 डिग्री, इफ अ वेक्टर इज रोटेटेड बाय एंगल 360 डिग्री, ब्रैकेट में लिखेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, किसी तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, देन इट रिमेन्स अनचेंज्ड, तो आपका चेंज नहीं करेगा, देन इट रिमेन्स अनचेंज्ड. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. दो पॉइंट लिखाया, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर, किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करोगे तो वेक्टर आपका चेंज नहीं करता है, और उसके बाद मैंने लिखवाया कि किसी वेक्टर को आप रोटेट करोगे थीटा एंगल से अदर देन 360 डिग्री तो वो वेक्टर चेंज हो जाएगा. मतलब 360 डिग्री से रोटेट करोगे तो वेक्टर में कोई फर्क नहीं रिमेन्स. ठीक है, तो इफ अ वेक्टर इज रोटेटेड बाय एंगल 360 डिग्री क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देन इट रिमेन्स अनचेंज, वो चेंज नहीं होगा, वही रहेगा. तो ये सेकेंड था, ठीक है, दिस वन इज सेकेंड. ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग, और मैंने कितने से रोटेट कराया, 360 डिग्री से. तो ये आपका वेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ चीजें हैं. अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पे होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. ठीक है, देखिएगा टॉपिक, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. अभी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है, कैसे करते हैं. एक वेक्टर ऐसे है, दिस वन इज वेक्टर ए, एक वेक्टर ऐसे है, दिस वन इज वेक्टर बी. अब इनके बीच का कौन एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा कि ये वाला एंगल होगा. एक वेक्टर ये है, दिस वन इज वेक्टर ए, ये वेक्टर बी है, दिस वन इज वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल ये होगा कि ये होगा कि ये कुछ और होगा. तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में आपको एंगल निकालना है, तो आपका सबसे पहला चीज होना चाहिए कि आप दोनों के पूंछ को मिलाओ, दोनों के टेल को मिलाओ, या दोनों के हेड को मिलाओ. कोशिश करो कि दोनों के टेल को एक जगह कॉइंसाइड कराइए या दोनों के हेड को एक जगह कॉइंसाइड कराइएगा. सबसे पहला कंडीशन, आप इधर उधर उड़ने से आपको कोई फायदा नहीं है. एंगल बिटवीन टू वेक्टर आप ये नहीं कर सकते, इधर से चलो ये एंगल 30 डिग्री. आपका पहला कंसर्न होना चाहिए, आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि दोनों के टेल को मिलाइए या फिर दोनों के हेड को मिलाइए, दोनों के पूंछ को मिलाओ या दोनों के मुंडी को मिलाओ, पहला कंडीशन. तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है, और उसमें भी अब उसकी बात बताएंगे. सबसे पहला चीज, आप दोनों के टेल को कोइंसाइड करो या दोनों के हेड को कोइंसाइड करो. तो यहां पे देखिए, ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है. देखो यहां तो सामने दिख रहा है कि दोनों का टेल मिल रहा है, यहां पे सामने आपको दिख रहा है कि दोनों का टेल मिल रहा है.
अब यहां पे कौन सा एंगल लेना है, तो हमेशा कौन सा एंगल, छोटा वाला एंगल, ये वाला एंगल आपको लेना, एंगल बिटवीन ये होगा, ये वाला आपका नहीं होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज द स्मॉलर एंगल, ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन देयर टेल्स और बिटवीन देयर हेड्स, ठीक है, तो मैं पॉइंट लिखवा देता हूं तब आपको समझाऊंगा इस चीज को, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज स्मॉलर एंगल, इज स्मॉलर एंगल बिटवीन देयर टेल्स और बिटवीन देयर हेड्स, ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर स्मॉलर एंगल बिटवीन देयर टेल्स और बिटवीन देयर हेड्स, पहली चीज, ठीक है, मतलब दोनों के टेल को मिलाइए या फिर दोनों के हेड को मिलाइए, और उनके बीच का कौन सा एंगल हम लेंगे, तो उनके बीच का स्मॉलर एंगल लेंगे। जैसे देखिए ये आपका वेक्टर ए है एंड दिस वन इज वेक्टर बी, दिस वन इज वेक्टर बी, ये एंगल आपका कितना डिग्री है, 120 डिग्री, दिस वन इज 120 डिग्री, आपको बोलेगा व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, द क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या हो, क्या यहां पे दोनों का टेल मिल रहा है, नहीं, क्या यहां पे दोनों का हेड मिल रहा है, नहीं, यहां पे पहले वेक्टर का हेड मिल रहा है और दूसरे वेक्टर का टेल मिल रहा है, फर्स्ट वेक्टर का हेड मिल रहा है और दूसरे वेक्टर का क्या मिल रहा है, टेल मिल रहा है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, दोनों के टेल को मिलाना, तो हमने बताया था किसी वेक्टर को अगर पैरेलली शिफ्ट कर दिया जाए तो वेक्टर चेंज नहीं होता, किसी वेक्टर को अगर पैरेलली शिफ्ट कर दिया जाए तो वेक्टर चेंज नहीं होता, एक काम करते हैं कि वेक्टर ए को पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं आगे की तरफ, तो वेक्टर ए को हमने पैरेलली शिफ्ट कर दिया, देखिए वेक्टर ए को उठा के हम यहां रख देंगे, वेक्टर ए को हमने पैरेलली शिफ्ट कर दिया, दिस इज वेक्टर ए, इसको उठा के हम आगे दिखा रहे हैं, व्यू सोचिएगा थोड़ा, अब देखिए क्या दोनों का टेल मिल रहा है, बिल्कुल सर, किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं तो वेक्टर चेंज नहीं हो रहा, मैंने वेक्टर ए को पैरेलल शिफ्ट कर दिया, स्लाइड वेक्टर ए, स्लाइड वेक्टर ए पैरेलली, वेक्टर ए को पैरेलली, अब पैरेलल का मतलब ये मत समझना कि सर पैरेलल का मतलब ये होता है, ये भी पैरेलल है, उसी लाइन के लॉन्ग भी स्लाइड करना भी पैरेलल ही कहलाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल इफेक्ट, एक होता है घुमाने को बोलते हैं रोटेशनल इफेक्ट, तो मैंने दोनों चीज बता दिया, अगर वेक्टर को वेक्टर ए है उसको उसी लाइन में स्लाइड कर दो तो वेक्टर चेंज नहीं होगा, वेक्टर ए है उसको रोटेट कर दो तो वेक्टर चेंज हो गया, लेकिन उसको 360 डिग्री से रोटेट करो तो वेक्टर चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो ये आपका वेक्टर ए है, इसको मैं आगे स्लाइड कर दिया, अब देखिए दोनों का टेल मिल रहा है, वेक्टर ए का टेल, अब ये दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, ये होगा दोनों के बीच का, ये 120 डिग्री, तो यहां पे दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, तो पूरा तो 180 होता, 160 डिग्री, यहां पे वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दीजिए सर यहां पे वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच का एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है सर, तो बन रहा है आपका 120 डिग्री, नहीं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज एंगल बिटवीन देयर टेल्स और एंगल बिटवीन देयर हेड्स, उसके बीच में कौन सा एंगल, तो स्मॉलर एंगल, देखिए और भी एग्जांपल, और देखिए दूसरा, ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, ये एंगल आपका कितना है, 60 डिग्री, सिंपल, क्या दोनों का हेड मिल रहा है, बिल्कुल, दोनों का हेड मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, इन दोनों छोटा एंगल कौन है, यही छोटा एंगल है, ये तो बड़ा एंगल है, ये तो ये नहीं होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल यहां भी कितना होगा, 60 डिग्री, यहां भी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना होगा, 60, क्योंकि दोनों का यहां पे क्या मिल रहा है, हेड मिल रहा है, दोनों का हेड यहां पे मिल रहा है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना होगा यहां पे, 60 डिग्री। तीसरा एग्जांपल देखिए, थर्ड एग्जांपल, क्वेश्चन हम देते हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन फर्स्ट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, सेकेंड वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, थर्ड वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, ठीक है, ये क्वेश्चन है, और ये आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, व्हाट इज दिस, दिस वन इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, दिस वन इज
इक्विलैटरल ट्रायंगल, ध्यान दीजिए, यह आपका वेक्टर ए है, दिस वन इज वेक्टर ए, दिस वन इज वेक्टर बी एंड दिस वन इज वेक्टर सी. क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री. ये भी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, और ये भी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री. क्वेश्चन क्या है, ए और बी के बीच का एंगल बताना है, ए और बी के बीच का. तो ये एंगल, सॉरी, ए और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल बताना है. तो दिस वन इज वेक्टर ए एंड दिस वन इज वेक्टर बी. अब देखिए वेक्टर ए का हेड और वेक्टर बी का टेल मिल रहा है, एक का हेड दूसरे के टेल के साथ में, तो ये एंगल डिफाइंड, ये एंगल सही नहीं है. कैसे निकालेंगे एंगल, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ए को पैरेलल शिफ्ट करेंगे. आप वेक्टर बी को भी पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी शिफ्ट कर लो. आप चाहो तो वेक्टर ए को पैरेलल शिफ्ट कर लो, आप चाहो तो वेक्टर बी को पैरेलल शिफ्ट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही होगा. तो आप जब वेक्टर बी को पैरेलल शिफ्ट करोगे तो दोनों का हेड मिलेगा, जब वेक्टर ए को पैरेलल शिफ्ट करोगे तो दोनों को टेल मिलेगा. तो चाहे तो दोनों के टेल्स के बीच का एंगल, चाहे तो दोनों के हेड्स के बीच का एंगल, और उसके बीच का कौन सा एंगल, तो छोटा एंगल, ये आपका एंगल कहलाएगा. तो वेक्टर ए को हम पैरेलल से, यहां दिखा नहीं रहे, मन में बता रहे हैं, देखिए डॉटेड लाइन से यहां पे एक्सप्रेस कर रहे हैं. वेक्टर ए को पैरेलल शिफ्ट करो तो इस लाइन के अलोंग आएगा, अब दोनों के टेल यहां पे मिलेगा, तो एंगल क्या होगा, ये होगा एंगल, समझ में आया, ये आपका एंगल होगा. ठीक है, अब ये आपका एंगल होगा कितना डिग्री होगा, तो ये एंगल आपका कितना होगा, ये 60 है तो ये कितना डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा. दूसरा एंगल ये होगा, लेकिन ये वाला एंगल तो बड़ा एंगल होगा, ये एंगल क्या होगा, अगर देखो ये आपका वेक्टर ए है, दिस वन इज वेक्टर ए, और वेक्टर बी कौन है, वेक्टर बी आपका दिस वन, दिस वन इज वेक्टर बी, तो ये एंगल आपका कितना डिग्री है, 120 डिग्री. लेकिन ये एंगल तो 120 से बड़ा होगा ना, ये एंगल 120 से क्या होगा, बड़ा, तो ये एंगल नहीं लेंगे, कौन सा एंगल लेंगे, ये वाला स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल, छोटा वाला एंगल, ठीक है, छोटा वाला एंगल. तो ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री. चलिए सेकंड देखेंगे, बी और सी के बीच का एंगल, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी. देखिए बी का हेड, बी का हेड सी के टेल के साथ मिल रहा है, यहां से हम थोड़ा इरेज करते ताकि हम बनाए, बी का हेड सी के टेल के साथ, तो क्या करेंगे, एक काम करते हैं, बी को पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं, बी को पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं, बी को हम क्या करते हैं, पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं. देखिए बी को पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं, तो वेक्टर बी को पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं, तो वेक्टर बी, ये आपका वेक्टर बी है, इसको हम पैरेलली यहां पे दिखा देते हैं, दिस वन इज वेक्टर बी, रेड लाइन से मैंने, डॉटेड लाइन से वेक्टर बी दिखाया, इसको मैंने पैरेलल ऊपर शिफ्ट कर दिया. अब देखिए वेक्टर सी का टेल और वेक्टर बी का टेल यहां पे मिल रहा है, पूरा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, ये कितना है, 60, तो ये भी एंगल कितना होगा, 120 डिग्री. तो बी और सी के बीच का भी एंगल कितना होगा, तो 120 डिग्री ही होगा. ए और बी के बीच का एंगल 120 डिग्री, और बी और सी के बीच का एंगल कितना, 120 डिग्री आया. तीसरा पूछ रहा है क्या, ए एंड सी, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड सी, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड सी. तो करते क्या, देखिए तो यहां पे सी का हेड मिल रहा है और ए का टेल मिल रहा है, तो क्या आप एंगल डिफाइन कर सकते हो, नहीं, एक का हेड मिल रहा है दूसरे का टेल में, तो आप एंगल डिफाइन नहीं कर सकते हो. कैसे करेंगे, जब दोनों का टेल मिलना चाहिए या दोनों को हेड मिलना चाहिए, हम 10 बार बोल चुके हैं, आपको याद भी होना चाहिए साथ में, ठीक है. तो हम एक काम करते हैं, वेक्टर सी को पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं, वेक्टर सी को पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं, तो वेक्टर सी को हम पैरेलली शिफ्ट कर दें, वेक्टर सी को यहां पे हम उठा के पैरेलली शिफ्ट कर दें, दिस वन इज वेक्टर सी, वेक्टर सी को हम पैरेलली शिफ्ट कर दें. अब यहां पे देखिए दोनों का टेल मिल रहा है, यहां पे दोनों का टेल मिल रहा है, ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर सी है, यहां पे दोनों का टेल मिल रहा है, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री होगा आपको बताइए, 120 डिग्री. वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का एंगल कितना हुआ, तो 120 डिग्री हुआ. तो यहां पे वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का भी एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री होगा. ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में ए और बी के बीच का एंगल 120 डिग्री, बी और सी के बीच का एंगल 120 डिग्री, एंड ए और सी के बीच का भी एंगल 120 डिग्री हुआ. अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे, ऐसे भी कह सकते हो कि कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर बोल सकते हैं. उसमें देखिए हमने कुछ पैरेलल वेक्टर, सेकंड वन इज इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, फिर से देख लेंगे. देन आफ्टर थर्ड वन इज एंटी पैरेलल, नेगेटिव वेक्टर, देन आफ्टर नल और जीरो वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, पोलर वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर. ये कुछ
टाइप्स है, कुछ टर्म्स हैं जिसको हम लोग जानना है। सबसे पहला हम लोग देखेंगे पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होता है? पैरेलल वेक्टर का मतलब द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज जीरो डिग्री। सिंपल एक लाइन का डेफिनेशन, पैरेलल वेक्टर का मतलब द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज जीरो डिग्री। ठीक है, दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? जीरो डिग्री, तो वो पैरेलल। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज जीरो डिग्री, दैट इज पैरेलल वेक्टर। ये आपका क्या है? ये आपका वेक्टर ए है एंड दिस वन इज वेक्टर बी। ये क्या है? पैरेलल वेक्टर। ये दोनों पैरेलल वेक्टर है। या आप बोल सकते हैं ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है। ये क्या आपका? पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, ये क्या आपका? पैरेलल वेक्टर। दोनों के बीच का एंगल कितना? जीरो डिग्री। एंगल कितना? जीरो डिग्री। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जीरो डिग्री। क्या करेंगे? दोनों के टेल को मिलाएंगे, तो यहां से उठा के यहां पे रख देंगे इसके ऊपर, तो एंगल कितना होगा? जीरो डिग्री। यहां से इसको उठा के यहां रख देंगे, दोनों के बीच का एंगल जीरो डिग्री। तो पैरेलल वेक्टर कहने का मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज जीरो डिग्री। सिंपल डेफिनेशन, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं। पैरेलल मतलब टू वेक्टर्स पैरेलल इक्वल, ऐसा कुछ नहीं है। पैरेलल वेक्टर मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज जीरो डिग्री। ये भी आपका पैरेलल है। ट्रांसलेशनल इफेक्ट, दिस इज अ पैरेलल। ये तो पैरेलल वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल कितना? जीरो डिग्री। सेकेंड वन क्या होता है? दूसरा क्या आपका? सेकेंड वन क्या आपका? इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर मैंने पहले ही बता चुका है। दो वेक्टर्स इक्वल तभी होंगे जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है। ये दोनों इक्वल वेक्टर है। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो ये दोनों वेक्टर क्या है? इक्वल वेक्टर। ये ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बता चुका है। इसमें मैंने पॉइंट लिखा, किसी वेक्टर को अगर पैरेलल शिफ्ट कर दिया जाए तो वेक्टर चेंज नहीं होता, इसी कॉन्सेप्ट से। तो ये आपका इक्वल वेक्टर। ये टाइप्स ऑफ वेक्टर है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता लेकिन जानना थोड़ा जरूरी है। ठीक है, देन आफ्टर थर्ड वन इज एंटी पैरेलल। नाम से क्लियर हो रहा है, एंटी पैरेलल मतलब, एंटी पैरेलल कहने का मतलब होगा कि दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। एंटी पैरेलल वेक्टर कहने का मतलब होता है, थर्ड वन इज एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल नाम से क्लियर है, मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 180 डिग्री। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 180 डिग्री, दैट इज एंटी पैरेलल वेक्टर। मतलब एक का मुंडी इधर है और दूसरे का मुंडी इधर है, दिस वन इज एंटी पैरेलल। ठीक है, एक का इधर, दिस वन इज एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी पैरेलल। मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना? 180 डिग्री। कैसे एंगल निकालेंगे? दोनों के टेल को मिलाएंगे, इसको उठाकर यहां पे शिफ्ट कर दीजिए कि एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। तो सिंपल डेफिनेशन, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 180 डिग्री। लोग कैसे पढ़ते हैं? क्लासिकल फिजिक्स जो पढ़ाते हैं कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी एंटी पैरेलल इफ एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। क्या दिक्कत है? उतना जान के क्या कर लोगे ऐसे? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी, ठीक है, आप सिंपल जानोगे एंटी पैरेलल मतलब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। आप उसको अपनी भाषा में जैसे लिखना वैसे लिखिए, हिंदी इंग्लिश जो जानते हैं आप वो लिखिए, भाषा डजंट मैटर। लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं एजुकेशन का, लैंग्वेज सेकेंडरी चीज है, आप पहले उसके कॉन्सेप्ट को जानिए। ठीक है, जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, आप कॉन्सेप्ट जान रहे हो, लैंग्वेज आप बना सकते हो अपने भाषा में, ठीक है। लेकिन लोग यहाँ क्या, लैंग्वेज में ही परेशान है। कुछ लोग बोलते हैं सर हिंदी समझ में नहीं आता, कुछ लोग बोलते हैं इंग्लिश समझ में नहीं आता, कुछ लोगों को पता ही नहीं, उनको लंबा लंबा चाहिए, चार पेज का इसी चीज को हम एक पेज में लिखा दे तो बढ़िया है कि हाँ सर को बहुत नॉलेज है, बट कोई फायदा नहीं उससे। ठीक है, तो एंटी पैरेलल मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 180 डिग्री, दिस इज सिंपल। देन फोर्थ वन इज निगेटिव वेक्टर। ठीक है, निगेटिव वेक्टर कुछ नहीं हुआ, एंटी पैरेलल का ही स्पेशल केस है। निगेटिव वेक्टर ध्यान दीजिएगा, बता देते हैं एंटी पैरेलल का निगेटिव वेक्टर। ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर ए है। इसी वेक्टर को आप रिवर्स कर दो, इसी वेक्टर को रिवर्स कर दो,
सेम को, बस इसका हेड इधर था, इसकी तरफ, इसके हेड को आप वेस्ट की तरफ कर लो, तो ये कहलाएगा माइनस ऑफ ए। मतलब ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है निगेटिव ऑफ ए है, या ये जो वेक्टर है निगेटिव ऑफ माइनस ए है। समझना, ये नीचे वाला जो वेक्टर है ये वेक्टर ए का निगेटिव है, ऊपर वाला जो वेक्टर है वो माइनस वेक्टर ए का निगेटिव है। निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, निगेटिव वेक्टर का मतलब क्या, आगे माइनस लगा दीजिए। ये आपका वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए, इसको ऐसे उलट के यहां रख दो, ये आपका निगेटिव। आप किसी एंगल ऐसे मत कर देना, इसको उठा के वेक्टर ए को ऐसे नहीं रखना है, ये नहीं, ये तो फिर हो गया दोनों परपेंडिकुलर है, आगे हम बताएंगे वो क्या है। तो मतलब ये वेक्टर है, इसको उठा के आप यहां पे कर दीजिए, दिस इज निगेटिव वेक्टर। मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, यहां पे भी कितना है नेगेटिव वेक्टर, कहने मतलब क्या, थीटा इक्वल टू कितना 180 डिग्री, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस ए, दिस इज नेगेटिव वेक्टर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड का मतलब एरो की लंबाई, मैं कितने तरीके से बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड मतलब मैथमेटिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड मतलब एरो की लंबाई, लेंथ ऑफ एरो वो सेम है, जितना बड़ा ये एरो उतना ही बड़ा ये है, बट क्या है, ये ईस्ट की तरफ है तो ये वेस्ट की तरफ है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, अगर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ होगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, सही है। तो दिस इज व्हाट, नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी देखिए, ये आपका वेक्टर ए है, इस वेक्टर को उठा के इसी वेक्टर, सेम वेक्टर को, ये आपका वेक्टर ए है, इस सेम वेक्टर को आप यहां से रख दीजिए, दिस इज माइनस, ये भी नेगेटिव वेक्टर है। कोई जरूरी नहीं है कि यहां से ही रखें, इसका हेड इसके नीचे, इसके टेल, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये आपका वेक्टर ए है, इसको हम उठा के ऐसे रख दें, इसी को पेन को उठा के हम यहां रख दें, तो ये भी दोनों वेक्टर क्या है, नेगेटिव वेक्टर, तो दैट इज नेगेटिव वेक्टर। क्लियर कॉन्सेप्ट, समझ रहे हैं, रटना नहीं किसी को, समझना है, सीख लोगे एक बार पूरा चीज याद हो जाएगा। पैरेलल मतलब थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री, इक्वल मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों का डायरेक्शन सेम, एंटी पैरेलल मतलब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, नेगेटिव वेक्टर मतलब क्या, एंटी पैरेलल का स्पेशल केस, एंटी पैरेलल में कोई जरूरी नहीं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, बट नेगेटिव में जरूरी है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दैट इज नेगेटिव वेक्टर। देन आफ्टर नल और जीरो वेक्टर, नाम से ही क्लियर है, जीरो वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो, और डायरेक्शन क्या हो, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, कुछ भी आप ले सकते हैं। देखिए जीरो वेक्टर आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, मतलब कोई स्पेसिफाइड फिक्स डायरेक्शन नहीं है, आप कुछ भी आर्बिट्रेरी, ठीक है। तो नेक्स्ट वन है आपका फिफ्थ वन, फिफ्थ वन क्या है, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर, नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर, क्या मतलब होता है नल वेक्टर, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड जीरो, और डायरेक्शन क्या हो, कुछ भी आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। जैसे एग्जांपल देखिए क्या यूज है, आपको वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस ए, इसको आप जीरो, इसको आप लिखिए जीरो वेक्टर, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं जीरो वेक्टर, वेक्टर ए को माइनस ए के साथ जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा, जीरो वेक्टर कहलाएगा, जीरो वेक्टर। और बोल सकते हैं ए ए वेक्टर, ए ए वेक्टर, ए ए वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड कितना, जीरो, ए ए वेक्टर मतलब जिसका टेल भी वही है, जिसका हेड भी वही है, बी बी वेक्टर, बी बी वेक्टर, टेल भी बी है और हेड भी बी है, तो मैग्नीट्यूड कितना, जीरो, इसको बोलेंगे नल वेक्टर या फिर क्या बोले, जीरो, और डायरेक्शन क्या, आर्बिट्री, कुछ भी डायरेक्शन हो सकता है, एनी डायरेक्शन हो सकता है, तो दिस इज नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। क्लियर, नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। सिक्स्थ वन इज अनइक्वल वेक्टर, नाम से क्लियर हो रहा है, अनइक्वल वेक्टर। अब दो वेक्टर इक्वल कब नहीं हो सकता, अनइक्वल कब होगा, जब दोनों में से या तो मैग्नीट्यूड अलग हो या तो डायरेक्शन अलग हो, दोनों सेम है तो फिर वो इक्वल वेक्टर, कुछ नहीं, अनइक्वल को मुझे रटना नहीं है, अनइक्वल मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड डिफर हो, या दोनों, मतलब देखिए कैसे, अनइक्वल वेक्टर, सिक्स्थ वन इज अनइक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, ये भी आपका अनइक्वल है, ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, ये आपका अनइक्वल वेक्टर है, ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, ये आपका अनइक्वल वेक्टर, अनइक्वल का तो कुछ भी केसेस होते हैं, इक्वल का मतलब क्या, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों का डायरेक्शन सेम, इक्वल, अनइक्वल, आप अनइक्वल मतलब कुछ भी समझ सकते हैं, अनइक्वल वेक्टर मतलब ये क्या है, अनइक्वल वेक्टर, ये भी क्या, अनइक्वल वेक्टर, ठीक है, तो अनइक्वल वेक्टर। नेक्स्ट होता है कोलिनियर वेक्टर, नाम से क्लियर है, कोलिनियर वेक्टर, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन अ सेम लाइन, वो किस पे हो, सेम लाइन पे हो, कोलिनियर, नाम से क्लियर है, कोलिनियर, ठीक है,
कोलिनियर, नंबर कितना है 7th नंबर, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, पूरा डेफिनेशन नहीं, कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या हुआ, वेक्टर्स लाई ऑन सेम लाइन, वेक्टर्स लाई ऑन सेम लाइन, दैट इज कोलिनियर वेक्टर। ये आपका दिस वन इज वेक्टर ए, दिस वन वेक्टर बी, दिस वन वेक्टर सी, ये क्या है कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर पैरेलल है ये आपका वेक्टर ए, ये आपका वेक्टर बी, ये पहला एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं। अब बोलोगे ये दोनों अगर पैरेलल है, ये दोनों अगर पैरेलल, सो कोलिनियर आप समझा जा सकता है, क्यों, वेक्टर बी को अगर पैरेलल शिफ्ट कर दोगे तो वेक्टर चेंज नहीं हुआ, तो दैट इज आल्सो कोलिनियर। टू पैरेलल वेक्टर्स या टू एंटी पैरेलल वेक्टर को आप कोलिनियर वेक्टर कह सकते हो, क्योंकि दोनों उसको पैरेलल शिफ्ट करने से वेक्टर चेंज नहीं होगा। तो कोलिनियर का मतलब सेम लाइन में, उसको सेम लाइन में, उसको रिप्रेजेंट किस तरह से, उसको दिखाना कैसे, तो एक ही लाइन में, दैट इज कोलिनियर वेक्टर, नाम सिंगुलर है, कोलिनियर वेक्टर, एक लाइन में, दैट इज कोलिनियर वेक्टर। देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज कोप्लेनर वेक्टर, नाम से क्लियर है, अगला टाइप होता है कोप्लेनर वेक्टर, मतलब वेक्टर्स क्या हो एक ही प्लेन में हो, वेक्टर्स क्या हो एक ही प्लेन में हो। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखाएंगे, ध्यान दीजिए, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर का मतलब वेक्टर्स लाइज ऑन सेम प्लेन, वेक्टर्स लाइज ऑन सेम प्लेन, दैट इज कोप्लेनर वेक्टर, वेक्टर्स लाइज ऑन सेम प्लेन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर्स लाइज ऑन सेम प्लेन। तो समझिए दो वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर होगा, अगर ये एक वेक्टर है और ये दूसरा एक वेक्टर है, तो टू वेक्टर्स किसी भी तरह से आप रिप्रेजेंट करो तो हमेशा क्या होगा एक ही प्लेन में होगा, एक ही प्लेन में होगा। देखिए ये आपका रेड वन इज वेक्टर ए, ब्लू वन इज वेक्टर बी, तो ये क्या इस प्लेन में, अगर इसको ऐसे देखोगे दिस वन इज वेक्टर ए, दिस वन इज वेक्टर बी, ये क्या है एक ही प्लेन में, तो दो वेक्टर्स क्या होगा ऑलवेज कोप्लेनर। टू वेक्टर्स, यहां से एक पॉइंट मैंने बताया था, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, दो वेक्टर क्या होगा हमेशा कोप्लेनर होगा। टू वेक्टर्स, ये आपका वेक्टर है, ये आपका वेक्टर, ये आपका वेक्टर है, ये आपका, ये अभी आपका इस प्लेन में, ये आपका वेक्टर है, ये आपका अभी आपका क्या इस प्लेन में, ये आपका वेक्टर है, ये आपका वेक्टर अभी क्या इस प्लेन में, दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होगा। बात करेंगे तीन वेक्टर का, तो तीन वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अभी ऐसे देखिए तीसरा, तीन वेक्टर हम लिख रहे हैं, ये आपका तीन वेक्टर है, ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, ये आपका, अभी क्या है तीनों एक ही प्लेन में है, अभी क्या है तीनों एक ही प्लेन में, देखिए तीनों एक ही प्लेन में। अरे तीन वेक्टर कैसे दिखाओ, तीन वेक्टर को ऐसे दिखाओ बोर्ड के, बोर्ड में ऐसे, तो ये तीनों वेक्टर क्या अभी कोप्लेनर है, तीनों वेक्टर क्या है बोर्ड के प्लेन में। लेकिन वही अगर तीनों वेक्टर को ऐसे दिखाओगे इस तरह से, ये आपका वेक्टर है, ये आपका वेक्टर बी, ये आपका वेक्टर सी, सी, तो ये तीनों वेक्टर आपस में, ये दोनों कोप्लेनर है तो ये बाहर है, अगर ये दोनों कोप्लेनर मानो तो ये बाहर है, अगर ये दोनों कोप्लेनर है तो एक, मतलब थ्री वेक्टर्स कोप्लेनर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन टू वेक्टर्स तो हमेशा क्या होगा, कोई ना कोई प्लेन से तो दो वेक्टर पास करेगा ही, दो वेक्टर की अगर बात करो तो किसी ना किसी प्लेन से तो वो पास करेगा ही, पॉसिबल ही नहीं कि नहीं होगा। लेकिन अगर बात करोगे थ्री वेक्टर्स का, तो थ्री वेक्टर्स कोप्लेनर हो भी सकता है और कोप्लेनर नहीं भी हो सकता, कोप्लेनर नहीं भी हो सकता, थ्री वेक्टर्स कोप्लेनर हो भी सकता नहीं भी हो सकता। मैंने आपको एग्जांपल लिया x बाई जेड एक्सिस की बात करोगे, x बाई जेड अगर एक्सिस की बात करोगे, x बाई जेड एक्सिस की बात करोगे, समझिएगा थोड़ा सा, x बाई जेड एक्सिस की बात करोगे, तो ये आपका रेड वन इज y एक्सिस, ब्लैक आपका x, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका z एक्सिस है, रेड वन मैंने z एक्सिस माना, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस, ये क्या है x और y, ये आपका एक प्लेन में है, z बाहर है, x और z, ये x z प्लेन में, y बाहर है, y और z, ये yz प्लेन है, x बाहर, तो xy जो आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उससे आप समझ सकते हैं कि कैसे क्या है। तो थ्री वेक्टर्स कोप्लेनर हो भी सकता है, ये तीनों एग्जांपल इस तरह से अगर तीनों एग्जांपल लोगे तो ये तीनों वेक्टर क्या है कोप्लेनर। लेकिन वो एक्स वाई जेड एक्सिस अगर लोगे तो वो कोप्लेनर नहीं है, तो दैट इज
कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर। उसी तरह से चार वेक्टर को सोच सकते हो, चार वेक्टर के बारे में भी सोच सकते हो। चारों वेक्टर को आप इस तरह से दिखा दीजिए, एक और वेक्टर, तो वो कोप्लेनर और अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो कोप्लेनर वेक्टर कहना मतलब टू वेक्टर्स क्या होगा, हमेशा कोप्लेनर होगा। तीन वेक्टर की बात करें तो कोप्लेनर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कोप्लेनर बात नाइन नंबर है आपका ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल कहने का मतलब क्या होता है, एंगल इज 90 डिग्री। ऑर्थोगोनल वेक्टर कहने का मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री, इट इज ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर कहने का मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 90 डिग्री। ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। ये कैसा वेक्टर कहलाएगा, तो ये कहलाएगा आपका ऑर्थोगोनल वेक्टर। प्रूव करने के बाद प्रूव दैट टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, ऐसा क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको आगे कि दो वेक्टर ऑर्थोगोनल, इसको प्रूव किया तो वहां पे यही पुट करेंगे, प्रूफ करेंगे कि दोनों के बीच का एंगल पता करेंगे, एंगल अगर 90 डिग्री इसका मतलब दोनों क्या है, ऑर्थोगोनल है, दैट इज ऑर्थोगोनल वेक्टर। क्लियर यहां तक, आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ऑर्थोगोनल वेक्टर, ठीक है। 10-1 होता है आपका एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, ठीक है। कुछ ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जिसका डायरेक्शन उसके एक्सिस के अलोंग होता है, ध्यान देना। जैसे सर्कुलर मोशन में बात करेंगे हम लोग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसका जो डायरेक्शन होगा उसके एक्सिस के अलोंग होगा। हम लोग बात करेंगे सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी, उसका जो डायरेक्शन होगा वो एक्सिस के अलोंग होगा। मतलब अगर हम सर्कुलर मोशन के बारे में बात करें, अगर हम सर्कुलर मोशन के बारे में बात करें, अगर हम सर्कुलर मोशन के बारे में बात करें तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, एक्सिस के अलोंग, एक्सियल। मतलब इसका इनिशियल डायरेक्शन, इसका इनिशियल टेल कोई फिक्स नहीं होता है कि उसका टेल क्या होगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्सियल वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्सियल वेक्टर है, एंगुलर वेलोसिटी भी एक्सियल वेक्टर है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या है, एक्सियल वेक्टर है। टॉर्क वगैरह पढ़ाएंगे हम, टॉर्क ये सब क्या है, एक्सिस के अलोंग होगा। तो ये सब कुछ ऐसे क्वांटिटी है फिजिक्स में जो कि जिसका डायरेक्शन क्या होता है, एक्सिस की तरफ, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज पोलर वेक्टर, ध्यान देना, पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर, ठीक है, ध्यान देना। पोलर वेक्टर में क्या, उसका डायरेक्शन, उसका इनिशियल पोजिशन क्या होता है, फिक्स होता है। पोलर वेक्टर में उसका इनिशियल पोजिशन क्या होता है, फिक्स होता है। मतलब अगर लाइन के लॉन्ग तो उसको बोलेंगे पोलर वेक्टर। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका पोलर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, पी आर कॉमा थीटा से भी, तो एक अलग चीज है पोलर वेक्टर। हम यहां पे अलग कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं, पोलर वेक्टर मतलब जिसका इनिशियल पोजिशन क्या हो, फिक्स हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, पोलर वेक्टर कहलाते हैं, पोलर वेक्टर। एंड द लास्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब हम लोग बात करें किसके बारे में, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, नाम से क्लियर हो रहा है। यूनिट वेक्टर का मतलब है जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, यूनिट वेक्टर कहने मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, वन हो, ठीक है। यूनिट वेक्टर नाम से क्लियर, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, वन हो, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड वन विद स्पेसिफाइड डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन भी होगा, ठीक है, उसका डायरेक्शन भी होगा। तो यूनिट वेक्टर कर लो हैविंग मैग्नीट्यूड वन, क्या होगा, हैविंग मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना होगा, वन होगा, ठीक है। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है और इसका स्पेसिफाइड डायरेक्शन होता है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन होता है, बहुत ज्यादा यूज है इसका, इसका डायरेक्शन में स्पेसिफाइड होता है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर नाम से क्लियर है, यूनिट मतलब मैग्नीट्यूड वन और डायरेक्शन उसका एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन भी होगा। इसका क्या इंपॉर्टेंस है समझिए, मान लीजिए वेक्टर ए इक्वल टू सपोज दैट 10 मीटर पर सेकेंड अगर बोल रहे हो अलोंग एक्स एक्सिस, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, किधर है, अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ, अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही कर देते हैं ताकि आगे 8 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, तो 8 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस, ये 0 है आपका, तो ये आपका वेक्टर होगा। अगर उसको रिप्रेजेंट करना है तो ये आपका वेक्टर होगा, वेक्टर ए। अब इसको दिखाना है तो ये आपका वेक्टर ए, वेक्टर ए इक्वल टू क्या है 8 मीटर पर सेकेंड, किधर है,
along x-axis की तरफ. वेक्टर a equal to 8 मीटर पर सेकंड किधर है? along x-axis की तरफ. ये जो है ना वन यूनिट, ये यूनिट वेक्टर है. दिस इज यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना? वन है. किधर है? x-axis की तरफ. अगर इसको लोगे वन से टू तो ये क्या? इसका मैग्नीट्यूड क्या? वन है. किधर है? वेक्टर a की तरफ. इसका भी मैग्नीट्यूड कितना? वन है. किधर है? वेक्टर a की तरफ. इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है? वन है. मतलब इच सेगमेंट एक यूनिट वेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा. तो आप ऐसे लिख सकते हो, एनी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर. ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये बहुत ज्यादा यूज है पूरे फिजिक्स में. एनी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर. इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर. एनी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर. मतलब आप वेक्टर ए को लिख सकते हो इसका मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ ए इनटू यूनिट वेक्टर. इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से, ए हैट से, या ए कैरेट से बोला जाता है. मेनली हम लोग यूज करते हैं ए कैप ही. यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ए कैप. ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ए कैप. उसको पढ़ते हैं ए कैप. यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ए कैप से. ठीक है, ए कैप से. यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से. इसी को बोलते हैं ए हैट. ठीक है, ए कैप बोलते हैं या ए हैट बोलते हैं, ध्यान देना. तो वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू यूनिट वेक्टर. तो यहां से आप यूनिट वेक्टर लिख सकते हो, यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. मतलब वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका मिल जाएगा यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस. दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस. ये आपका यूनिट वेक्टर किधर है? अगर एक्स एक्सिस की तरफ दिखाना है तो एक्स एक्सिस की तरफ दिखो. अगर वाई एक्सिस की तरफ वेक्टर ए है, जिधर वेक्टर ए का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन आपका यूनिट वेक्टर होगा. अगर वेक्टर ए का एक्स एक्सिस की तरफ तो यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ. अगर वेक्टर ए आपका वाई एक्सिस की तरफ, यूनिट वेक्टर भी वाई एक्सिस की तरफ. अगर वेक्टर ए आपका नॉर्थ की तरफ है तो यूनिट वेक्टर भी उसका नॉर्थ की तरफ होगा. कंडीशन इज इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? वन होगा. देखो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 6 अपॉन 6 तो दैट इज 1. तो यूनिट का मतलब ही है उसका मैग्नीट्यूड 1. और डायरेक्शन किधर होगा? जो वेक्टर ए का डायरेक्शन होगा वही यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा. क्लियर? अब एक चीज और यहां पे हम बता देते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं इसको. एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से. एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से. यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? आई कैप. ध्यान दीजिएगा, आई कैप या फिर आई हैट. ठीक है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इसको बोलते हैं हम लोग जे कैप. एंड यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस इसको बोलते हैं के कैप. अगर यूनिट वेक्टर आपको नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ दैट इज माइनस आई कैप. यूनिट वेक्टर नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ दैट इज माइनस जे कैप. यूनिट वेक्टर आपका नेगेटिव जेड एक्स दैट इज माइनस के कैप. तो ये आपका यूनिट वेक्टर. मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में आज डिस्कस किया. नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे वेक्टर को एड कैसे करते हैं, हाउ एड वेक्टर अलजेब्रा की बात करेंगे. ठीक है, सो फॉर दैट I request all of you that please like and subscribe our channel for latest ever. Thanks for watching.